जो इनका लक्ष्य था $1 trillion इकोनॉमी का, मुझे नहीं लगता है कि उस कहीं पूरा होने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने यह बता पाई है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना आने जा रहा है और सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट कितना होगा। जब तक सरकार इन बातों को नहीं कहेगी तब तक $1 trillion अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए सरकार लगातार धोखा दे रही है, किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, उद्योग जगत के लोगों को धोखा दिया, जनता को धोखा दे रहे हैं। इस बार मुझे लगता है ये सब बजट देखने के बाद और इनके काम करने के तरीके को देखने के बाद आने वाले समय में जनता इनको धोखा देगी।